ये आपका पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। एक नंबर है रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द पंचुअलिटी दैट इज द गिफ्ट डिसिप्लिन टू लाइफ। वी हैव टू गेट अप इन टाइम, वी हैव टू डू थिंग्स एट द अपॉइंटेड टाइम, ऑल दिज एंटेल सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, इट डिस्पायर्स लेजनेस एंड रिमूव्स और टेक इट इजी एटीट्यूड। ए डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज गेट्स रिकॉग्निशन एंड द सोशल एक्सेप्टेंस ही इज वांटेड टू अप्रिशिएटेड, देयरफॉर पंचुअलिटी कैन मेक अस सोशली एक्सेप्टेबल पीपल। द ब्रीड ऑफ द पंचुअलिटी इज सेड टू बी द स्काई टू सक्सेस, लैक ऑफ पंचुअलिटी एफर्ट टू मैन लाइफ इन ए वेरियस वेज। इफ पीपल्स ऑफ वेरियस ऑफिशन लाइक टीच स्टूडेंट्स पॉलिटिशियन इटीसी बिकम पंक्चुअल, द कंट्री वुड डेवलप इन द मल्टीपल वेज, इट वुड ब्रिंग ग्लोरी एंड ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। लुक एट द ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स हु हैव अचीव फेम सक्सेस, पंचुअलिटी इज देयर हॉलमार्क। आप क्वेश्चन नंबर वन कर रहा है कि लैक ऑफ पंचुअलिटी एफेक्ट मैन्स लाइफ, किस पर मीनिंग फुल वे वेरियस वेज रैंडमली नन ऑफ दिस, इसका वेरियस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु गेट रिकॉग्निशन एंड द सोशल एक्सेप्टेबल, ए पर्सन हुई इज नॉट डिसिप्लिन, ए पर्सन हुई इज डिसिप्लिन, बी नंबर आएगा। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ पंचुअलिटी इज इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट है वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड, मतलब एक वर्ड टेक क्या है, इजी एटीट्यूड क्या होता है, लेज। नेक्स्ट है पंचुअलिटी इज कंसिडर एज द सिंबल ऑफ, किसका चिन्ह होता है, तो वर्ल्ड लीडर्स का। सिनोनिम ऑफ द गुडनेस, गुडनेस का समानार्थी शब्द क्या है, तो वर्चू, वर्चू आएगा, वर्चू। एंटोनिमी ऑफ सक्सेस, सक्सेस का विलोम शब्द मतलब, तो इसका फेलियर आएगा। व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड ये ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री, पंचुअलिटी, पंचुअलिटी। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया, द इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर, मतलब ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर का इनडायरेक्ट इसमें चेंज करना है, तो ही टोल्ड मी दैट, तो आ जाएगा फर्स्ट पर्सन, ही वाज राइटिंग ए लेटर, बी नंबर आएगा। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द सन राइज इन द ईस्ट, सो द टीचर सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसमें कुछ चेंज नहीं होता है, केवल उसमें दैट लगता है, बाकी बात वही रहता है। द टीचर सेड हो जाएगा, उसके बाद कॉमा इन्वर्ट कॉमा मतलब दैट द सन राइज इन द ईस्ट, उसके बाद आई फुटबॉल फॉर फाइव ईयर्स, तो आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर फाइव ईयर्स, मैं पाँच वर्ष से फुटबॉल खेलता आ रहा हूँ। गॉड फुलफिल योर विशेज, मतलब मैं गॉड फुल, भगवान आपकी तमन्ना पूरी करे। यू लैंड मी और बुक, कुड यू लैंड मी बुक, कुड भरा इसमें। मनीष इज ड्राइविंग ए कार इज एग्जाम्पल ऑफ, मनीष इज ड्राइविंग कार एग्जाम्पल ऑफ क्या, कंटिन्यूस इज एम आर लगा हुआ तो कंटिन्यूस में है, प्रजेंट है कि पास्ट, तो इज है तो प्रजेंट है। ही खाली करता प्लेस ऑफ फ्यू मंथ बैक, ही विजिटेड द प्लेस ए फ्यू मंथ बैक। चेंज इन टू नेगेटिव सेंटेंस, ही इज पुअर, ही इज पुअर मतलब वह गरीब है, नेगेटिव में जब चेंज करें तो ही इज नॉट रिच मतलब वह अमीर नहीं है, आपका ये नंबर बनेगा। नेक्स्ट है हु इज, देखिए यहाँ भी पैसेज आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट में कह रहा है हु इज ही इन द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट लाइन में ही किसके लिए, तो अंग श्रीगल के लिए। द ग्रेट हैज बीन रिटन बाय, इसको लिखा किसने है, तो लियम ओ फ्लेहर्टी। व्हाट डज द वर्ड थ्रेटनिंग मीन, थ्रेटनिंग मीन मतलब क्या होता है, फ्राइटनिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, मतलब ऑटर कैसा दिखता था, स्मॉल कैट। व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, मतलब देश का मतलब महानतम धन क्या होता है, तो इट्स पीपल वहाँ के लोग। व्हाट वाज गौतम बुद्धस अर्ली नेम, मतलब गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ।
बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, मतलब गोवा के बेकर क्या कहता था, पेडर। व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रेचर ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज आर द कैरियज ऑफ पॉजिटिविटी, तो होमलेट ट्रिक्रॉक। वे शूट द टाइगर लर्किंग इन शैडो टू कैच द डियर। व्हाट वाज हॉरेस एलर्ट टू अ स्मेल ऑफ फ्लावर्स। व्हाट डिड द डॉक्टर इन द ऑस्टेरियट्रिम तो सर्जरी एडवाइज, क्या सलाह देता है उसको, कट हिज फूड, गिव मोर एक्सरसाइज, कीप हिम वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, मतलब उसको भोजन में कटौती कर कीजिए, उसको एक्सरसाइज करने के लिए दीजिए और इसको डाइटिंग में रखिए, तो ऑल ऑफ दिस इसमें सभी आएगा। हु इज फ्लावर इन द स्टोरी इज मिड नाइट विजिटर राइटर। व्हाट आर मैन वाज ग्रिफिन, कैसा आदमी था, ब्रिलियन साइंटिस्ट इंजीनियर दोनों था ये। व्हाट इज रामलाल डिमांड ऑन डोरी, रामलाल दहेज में क्या मांग करता है, मनी। नेक्स्ट आपका पैसेज आया, ठीक है, दिया है 6 × 2, मतलब 6 × 12 नंबर का इसमें है। अब इसमें देखिए एक नंबर कर रहा है, ये आपका पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि हाउ इज ए कैमल यूज बाय द पीपल ऑफ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका के लोग कैमल को कैसे यूज करते हैं, तो देखिए इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ से, देखिए 31 नंबर। इट हैज़ बीन यूज टू फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स बट बाय द डेजर्ट पीपल ऑफ अफ्रीका और एशिया टू सप्लाई मेनी ऑफ देयर नीड्स। आगे लिख सकते हैं आप, ऑन द फर्टिलाइज एज ऑफ द डेजर्ट कैमल पुल प्लाव टर्न व्हील्स इन रेटेड द फील्ड, ये से यहाँ तक आ जाओ। नेक्स्ट, व्हाट डज द कैमल्स हम्प हैव, कैमल का हम्प क्या होता है, कैसे होता है, आपको तो 32 दिखे यहाँ दिया हुआ, द ये 32 है, द अरबियन हैज ओन हम्प, द बैक्ट्रियन कैमल हैज टू, ठीक है। थर्ड है, नेम एनी टू वर्क डन बाय कैमल, मतलब कैमल के द्वारा दो कार्य क्या होता है, इसका वर्णन करना, 33 अब दिया है, दे सप्लाई फूड मिल्क एंड द क्लोथिंग इन द फार्म वूल एंड द लेदर, ऐसे यहाँ तक आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइट एंड द वेट ऑफ कैमल, मतलब कैमल की ऊंचाई और वेट क्या होता है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, कैमल स्टैंड अबाउट 2 मीटर्स हाई एट द शोल्डर एंड वेट 500 to 800 kg, हो गया। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग द यूजफुल एनिमल इज वेल, देखिए दिया हुआ है 35 का ये नंबर, देखिए यहाँ दिया हुआ द यूजफुल एनिमल इज, यहाँ से लिखा है एडेप्टेड टू लाइफ इन ए हार्स एंड ड्राई हैंड्स, यहाँ से यहाँ तो हो जाएगा। नेक्स्ट, द कैमल आइज हैव, देखिए द कैमल आइज हैव 3 eyelids टू हेल्प कीप आउट स्टैंड। नेक्स्ट है, मेक सेंटेंस विद द फ्लोइंग वर्ड्स, सेंटेंस बना डोमेस्टिक, तो द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल या फिर द कैमल इज ए डोमेस्टिक एनिमल, मतलब गाय एक घरेलू पशु है, हो गया। नेक्स्ट है ट्रांसफर, द ट्रेन आर यूज टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स लॉन्गर डिस्टेंस, द ट्रेन का जो है उपयोग लंबी दूरी तय करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, राइट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड्स, मतलब इसका समानार्थी शब्द बताना आपको, ए लोट ऑफ मतलब अधिक होता है, तो लार्ज अमाउंट अधिक मात्रा में। फिर फ्रूटफुल का होता है फर्टाइल, मतलब उत्पादन करना। राइट द एंटोनॉमी ऑफ गिवन वर्ड्स, मतलब इसका विपरीतार्थ सब उल्टा सब लिखना है, मॉडर्न का आधुनिक का एंशियंट मतलब पुराना, और हार्डली लिखा होगा सॉफ्टली। अब एक आंसर एनी टू ऑफ द क्वेश्चन अबाउट 80 to 100, इसको बाद में हम बताएंगे, ठीक है, इस वीडियो में भी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल मॉडल गिवन विन, वी दिया कैन कुड मस्ट, वी मस्ट पे आवर टैक्स, मतलब हमको अपना टैक्स अवश्य चुकाना चाहिए। नेक्स्ट, आई लिफ्ट द बॉक्स, इसमें 2 नंबर है, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। थर्ड वाज जय कुड, आई कुड रन फास्टर वैन आई वॉज बिजी, सॉरी बॉय। अब नेक्स्ट है, ट्रांसफर टू द फॉलोइंग सेंटेंस है डायरेक्टेड, सी टू टायर्ड टू प्ले, मतलब वह इतना अधिक थका हुआ कि खेल नहीं सकता। इसको चेंज करने का तरीका है, देखिए सी का सी आएगा, इज का ई, टू के बदले आएगा सो, टू के बदले आएगा सो, उसके बाद टायर्ड के टायर ई टू, टू के बदले आएगा दैट, टू के बदले आएगा दैट, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर सी का सी, उसके बाद कैन नेट, सॉरी कैन नॉट आएगा, कांट आएगा प्ले। नेक्स्ट है, ये मैन कैन नॉट लाइव फॉर एवर, चेंज इन टू इंट्रोगेटिव, मतलब ये आपका एसेटिव में इसको इंट्रीव्यू करना है, तो ये पहले आ जाए कैन, ये मैन लाइव फॉर एवर। नेक्स्ट है, कालिदास वाज नॉट ए ग्रेट पोइट, मतलब कालिदास एक महान
कभी नहीं थे, इसको चेंज इंटू एसेटिव मतलब इसको सकारात्मक बनाना है, सकारात्मक बनाना है तो इसको नोट हटा देना, कालिदास वाज ए ग्रेट पोएट। अब नेक्स्ट है, एक फिर दिया हुआ आपका पोएम, रीड द एग्जैक्ट गिवन बिलो एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैड लॉस्ट हिज बॉल, इसमें आपको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि फ्रॉम विच पोएम दिस एग्जैक्ट हैज बीन टेकन, मतलब यह किस कविता से लिया गया, तो द बॉल पोएम। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हु हैज रिटेन दिस लाइन, इस लाइन को किसने लिखा है, जॉन बेरीमैन ने। थर्ड है कि हु व्हाट हैड द बॉय लॉस्ट, मतलब बच्चा क्या खोज रहा था, मतलब बच्चे का क्या खो गया था, द बॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द अंक सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, मतलब छोटी सीगल उड़ने से क्यों डर रही थी, इसका आंसर दिया हुआ है, बिकॉज एज सुन एज ही अटेंड टू फ्लाई ही वॉज फ्रैटेंड बाई ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी। बस यहाँ तक में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वेयर इज कुर्ग, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, तो कुर्ग इज दिया कर्नाटक स्मॉलेस्ट सिटी, मतलब कुर्ग क्या है, कर्नाटक का सबसे छोटा शहर है। कुर्ग प्राइमरी क्रॉप इज कॉफी, मतलब कुर्ग में अधिक उत्पादन क्या होता है, कॉफी, मुख्य रूप से कॉफी उत्पादन किया जाता है, मतलब कुर्ग कहाँ स्थापित है, तो कर्नाटक में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार फायर आग और बर्फ किसके लिए खड़े होते हैं, तो ये आपको दिया फायर स्टैंड फॉर द ग्रीड एवरेज लस्ट एंड फनी, आइस स्टैंड फॉर क्रुएल्टी रिगिडिटी इनसेंसिविटी कोटनेस एंड हैटेड। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका आ गया राइट ये करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा का चरित्र चित्रण करना, वर्णन करना है। ठीक है, तो देखिए मटिल्डा लोइस इज द डॉटर ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली एंड मैरिड टू एम लोइस ए रिमार्केबली ब्यूटीफुल वोमेन, मतलब खूबसूरत महिला। मटिल्डा इज प्रॉपरली डिसक्लासिफाइड विथ हर लॉट ऑफ लाइफ कंस्टेंटली ड्रीमिंग ऑफ द ग्लैमर एंड इंटायर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें खुद कर व्हाट मेड हरी सिंह केम बैक टू अनिल, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि व्हाट मेड हरी सिंह कम बैक टू अनिल। ठीक है, ये क्वेश्चन है आंसर, तो हरी सिंह डिसाइडेड टू कम बैक, मतलब हरी सिंह ने फैसला किया वह वापस आएगा टू अनिल, अनिल के पास, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट, उसको महसूस हुआ दैट व्हेन अनिल वुड नो अबाउट, मतलब जब अनिल को पता चलेगा दैट फेल्ट उसने चोरी की है, ही वुड फील सैड, वह उदास हो जाएगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ द मनी बट फॉर द ट्रस्ट, मतलब पैसा तो जाएगा ही विश्वास भी चला जाएगा। एक और आपका बाकी रह गया क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट ये लेटर इन अबाउट 100 वर्ड टू योर अंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी, मतलब अपने छोटे भाई के पास एक पत्र लिखें जिसमें उसमें क्या है गलत संगत को छोड़ने के विषय में वर्णन करना है और स्टडी के बारे में अधिक ध्यान देना है। ठीक है, तो आप जगह के नाम कहेंगे सिमडेगा गिरिडीह झारखंड, सॉरी सिमडेगा गिरिडीह बोकारो हजारीबाग रांची पलामू गुमला कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ डेट है, आज का डेट दीजिएगा जब आपका रहेगा डेट। ठीक है, 5 जनवरी है तो 5 जनवरी 24 ये आप दीजिएगा। डियर मुकेश राकेश या डियर फ्रेंड कुछ भी आप लिख सकते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई एम कंटेंटेड यू बाय मीन्स ऑफ दिस लेटर यू टू डिड नॉट राइट एनीथिंग अबाउट योर हेल्थ एंड स्टडीज इन द मीन टाइम आई हैव कम टू नो दैट यू आर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू आवर स्टडी आई हैव कम टू नो दैट यू आर ऑफन ऑलवेज फ्रॉम द स्कूल यू डिड नॉट हैव एनी मेमोरी ऑफ योर पेरेंट्स एंड देयर फीलिंग फॉर यू आई ऑब्जर्व दैट यू हैव बिकम ए विक्टिम ऑफ योर बैड कंपनी दिस मे स्पॉइल आवर स्टडी एंड करियर दस यू कैन नॉट ग्रो एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री आई देयर फॉर एडवाइज टू अवॉइड बैड कंपनी एंड टू गिव प्रॉपर अटेंशन टू योर स्टडीज इट विल हेल्प यू मच अवेटिंग एन अर्ली रिस्पॉन्स विथ ग्रेट विशेज और अफेक्शनेटली नरेश एक्स वाई जेड, मतलब आप अपना अपना यहाँ पर नाम लिख लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।